इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जो नए आर्मी चीफ है उनके पास क्या चैलेंजेस होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर से आपको आगाह करें कि आलमी शोहरत याफ्ता कोहबेमा हसन सदपारा इंतकाल कर गए हैं। कई माह से कैंसर के मर्ज में ये मुबतला थे, बताया जा रहा है कि इनका इलाज चल रहा था। रावलपिंडी से अब यह खबर आ रही है कि हसन सदपारा इंतकाल कर गए हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि काफी अरसे से ये बीमार थे और इनका इलाज जारी था। इनके पास पैसे की भी कमी थी, वसाइल की भी कमी थी, जिसकी वजह से 25 लाख का जो इमदाद का ऐलान भी किया गया था पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। और उसके साथ साथ आपको बताएं कि इन्होंने यकीनी तौर पर अगर कोपेमाई की बात की जाए तो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स कायम किए हैं और आलमी शोहरत याफ्ता कोपेमा थे ये हसन सदपारा, लेकिन आज ये इंतकाल कर गए हैं। आपको बता रहे हैं कि ये हसन सदपारा जो कि काफी अरसे से बीमार थे, अलील थे, इनका इलाज जारी था लेकिन वो जानबर ना हो सके और आज वो कजाए इलाही से इंतकाल कर गए। रावलपिंडी में बताया जा रहा है कि इनका इलाज चल रहा था, कैंसर के मर्ज में ये मुब्तला थे, कई माह से इनको कैंसर था। इस सिलसिले में साथ साथ ये भी बताया गया है कि इनको पैसों की भी कुछ कमी का सामना रहा अपने इलाज के लिए, लेकिन अगर इनकी कामयाबियों की बात की जाए तो आलमी शोहरत याफ्ता एक कोहबेमा है, इनको दुनिया भर में जाना जाता है और बताया जा रहा है कि अब इनका इंतकाल हुआ है, कैंसर के मर्ज में ये मुब्तला थे, रावलपिंडी के एक अस्पताल में इनका इंतकाल हुआ है। जी हाँ, स्कर्दू से ताल्लुक है इनका और कल ही इनके बेटे को इलाज के लिए चेक मिला था ताकि इनका इलाज करवाया जा सके, लेकिन इससे पहले ही शायद देर हो चुकी और हसन सदपारा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हसन सदपारा 3 अप्रैल 1963 को पैदा हुए थे, स्कर्दू के एक गांव से इनका ताल्लुक है और आज इनका इंतकाल हो गया है। बड़े बड़े इनके कारनामे रहे हैं कोपेमाई में, इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया।